आप चाहे इंडिया में कहीं पर भी डॉक्टर दिखने जाओ, एक चीज आप जरूर जानते हैं कि डॉक्टर के हैंडराइटिंग किसी को नहीं समझ में आने वाले हैं, एक्सेप्ट वो मेडिसिन का शॉप वाले छोड़ के। लेकिन ऐसा क्यों? डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग इतना बुरे क्यों होते हैं? तो चलिए आज मैं ये वीडियो में यही बात डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मेरा फाइनल ईयर MBBS खत्म हो गया, तो मैंने अपना सेल्फ थोड़ा साफ कर रहा था। उस टाइम मेरा एक पुराना कॉपी, मेनली क्लास 12 का एक नोट्स कॉपी मिला। जब मैं उन नोट्स कॉपी को कंपेयर कर रहा था टू माय प्रेजेंट कॉपी, आई वाज शॉक्ड बिकॉज मेरा हैंडराइटिंग क्लास 11 12 तक भी इतना जो अच्छा था, अचानक इतना ड्रेस्टिक चेंज कैसे हो गया लास्ट 4-5 सालों में। एक्चुअली बचपन से ही मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था एंड मेरा हैंडराइटिंग आल्सो वेरी गुड। डिफरेंट हैंडराइटिंग कंपटीशन एग्जाम में भी मैं हिस्सा लेता था एंड डिफरेंट जगह मेरे को प्राइज भी मिलता था। एंड आप ये नोट्स कॉपी में भी शायद देख रहे हैं, ये नोट्स डिफरेंट कलर पेन से यूज किया है, जगह छोड़ छोड़ के। लेकिन अभी का जो हैंडराइटिंग देख रहे हैं, स्पेशली जो एग्जाम का पहले मैंने ले रहा था, एकदम हेफाजत है। इसका एक दो रीजन मैं अभी शेयर करता हूँ। देखिए, नॉर्मली एक मेडिकल स्टूडेंट को ये 4-5 सालों में बहुत सारे एग्जाम देना होते हैं और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। एंड क्योंकि इतना सारे पढ़ाई को हम लोग जब नोट्स फॉर्म में लेते हैं, हम लोगों के पास उतना एक्चुअली टाइम नहीं होते हैं। एंड इवन एग्जाम में भी टाइम इतना लिमिटेड होने के कारण हम लोगों को एक आदत बन जाते हैं जल्दी से कैसे भी करके लिख के खत्म करना। ये एक रीजन है। एंड इवन प्रिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम भी डॉक्टर्स जो है थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। एंड कुछ कुछ कोड शॉर्टकट में ही करना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक दवाई आपको दिन में एक बार खाना है तो डॉक्टर लोग क्या लिखेंगे? OD। एंड यही लिखना होता है। ऑब्वियसली उधर में तो सेंटेंस में नहीं लिख पाएंगे दिन में एक बार करके खाओ। अगर दिन में दो बार खाना है तो ऑब्वियसली BT। एंड बहुत टाइम डॉक्टर्स जो है मुंह से भी बोल देते हैं पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन, लेकिन लिखने का टाइम यही लिखना होते हैं। बहुत टाइम जो ड्रग्स होते हैं उसका भी शॉर्ट फॉर्म कोई कोई डॉक्टर यूज करना पसंद करते हैं, जैसे कि PCM फॉर पैरासिटामोल। एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म होते हैं। नेम्स वेरी ऑफ ए सिंगल ड्रग अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। मतलब अगर एक ही शैम्पू अगर आप डिफरेंट कंपनी से लेंगे, क्या है, कोई बोलेंगे हेड एंड शोल्डर, कोई है क्लिनिक प्लस, दोनों का सेम ही काम है, बाल साफ करना, बस हल्का सा उसके इंग्रेडिएंट डिफर करते हैं। सेम इज विद द ड्रग, क्योंकि उसका कंपनी अलग है, उसका नाम भी हल्के से चेंज हो जाते हैं। एंड उस टाइम क्या होते हैं, उसका लोकल नाम ही जब डॉक्टर लिखते हैं, थोड़ा वही नाम एक सामने वाला जो मेडिसिन शॉप है उसको भी वही पता होते हैं, तो वो इजीली बोल देते हैं। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग बुरा होने का, स्पेशली अगर वो एक बहुत अगर बिजी OPD में बैठा है, वो एक है इतना ज्यादा पेशेंट लोड। जब दिन में 100-200 पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा हड़ी में होते हैं। मतलब ऑब्वियसली जब डायग्नोसिस हो गया उसके बाद जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन लिख के ऑब्वियसली दे विल कॉल फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। लेकिन उस टाइम ही इतना हड़बड़ी नहीं करने के जगह ये हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो जाते हैं। एंड इवन और एक जो रीजन मेरे को लगते हैं क्या है, अगर मान लो एक पेशेंट का डायबिटीज है तो 2-3 पेशेंट का लगभग रेजिमेंट सेम ही होते हैं। सो क्या होते हैं, डॉक्टर्स के एक रिफ्लेक्स में रहते हैं, अच्छा नया वाला डायबिटिक का पेशेंट है, सो मैं स्टार्ट करूंगा ड्रग नेम्ड मेटफॉर्मिन। सो क्या करेंगे, थोड़ा हड़बड़ी में लिख देंगे। अगर कोई पेशेंट का थोड़ा हेडेक लेके आया है, अगर डॉक्टर्स को लिखना है पैरासिटामोल, तो थोड़ा हड़बड़ी में लिख देंगे, क्योंकि उसका ये जो है ना रिफ्लेक्स टाइप का है। जैसे कि अचानक कोई बॉल आपके तरफ आए, अगर आप पहले क्रिकेट खेल चुके हो तो क्या होंगे, तुरंत उस जगह ऐसे करके पकड़ लेंगे। इवन अगर आपके पीछे कभी भी अगर कोई डॉगी भाग रहा है तो आपका रिफ्लेक्स में बहुत जोर से भागना स्टार्ट करेंगे। ये क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में एक रिफ्लेक्स होते हैं जो हम लोगों के एवरी डे लाइफ में देखते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए भी एक रिफ्लेक्स बनते हैं, अच्छा ये पेशेंट आया तो मैं जल्दी से ये रेजिमेन लिख देता हूँ। लेकिन ये रिफ्लेक्स जल्दी से होने के कारण हैंडराइटिंग बुरा हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड मैं ये बोलूंगा,
क्योंकि डॉक्टर्स का बुरा हैंडराइटिंग के लिए हजारों लोग का डेथ होते हैं पर या लाखों लोग बीमारी हो जाते हैं बिकॉज पेशेंट को देख के एक चीज लिखा एंड जो है शॉपकीपर वो उल्टा समझा। ऑब्वियसली शॉपकीपर इज नॉट ए डॉक्टर, वो सिम्टम देख के उतना समझ नहीं पाएंगे, तो उसके हिसाब से जो वो पहले देखा था या फिर उसके पास जो मेडिसिन है लगेगा शायद यही लिखा है एंड इसी के चलते तो शॉपकीपर वही मेडिसिन दे देंगे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो डिजीज के लिए ये मेडिसिन नहीं था तो मेडिसिन गलत हो जाते हैं इसका रिजल्ट में एंड इसका एंड में ऑब्वियसली अगर डिजीज का गलत ट्रीटमेंट हो आइदर और ज्यादा बीमार हो जाएंगे या फिर पेशेंट का डेथ भी हो सकते हैं। ये सर्च किया तो मुझे पता लगा ट्राई करूंगा यार 7,000 का डेथ होते हैं। सो कल से मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होगा एंड आई विल बी ए इंटर्न डॉक्टर सिटिंग इन द ओपीडी एंड इट्स माय प्रॉमिस कि आई विल कीप इट इन माइंड ताकि मेरा गंदा हैंडराइटिंग से कोई पेशेंट का ये गलत ट्रीटमेंट ना हो जाए। ट्राई करूंगा कितना भी बिजी क्यों ना हूं मैं एक ऐसे हैंडराइटिंग में लिखूं एटलीस्ट पेशेंट को समझ में आए एंड ऑब्वियसली आई विल वर्क ऑन माय हैंडराइटिंग एंड माय बिहेवियर। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो व्हाई डॉक्टर्स हैंडराइटिंग इज सो बैड। सो आई एम मेडिकल स्टूडेंट एंड मेरा जो डॉक्टर का लाइफ है वो स्टार्ट होने वाला है कल से ही। सो अगर आपको इंटरेस्ट है डॉक्टर्स का लाइफ के बारे में, वो लोग कैसे करके पेशेंट को देखते हैं, वो लोग कैसे करके पढ़ाई करते हैं एंड इवन आपको कुछ अगर डिजीज के बारे में भी जानना है सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं डिफरेंट डिजीज के बारे में बनाता हूँ वीडियो, डिफरेंट जो डॉक्टर्स का लाइफ स्टाइल वो रिलेटेड बनाता हूँ। सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो एंड ये वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला सो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अगर को भी अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है सो मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं एंड आई विल टेक टाइम टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम डॉक्टर विश्व चौधरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई एम डॉक्टर प्रोफेसर चौधरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक लेके आऊंगा एंड तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्थी।